अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू माय चैनल हेल्दी एंड ब्यूटीफुल पेट्स। व्यूअर्स कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी गंजी मुर्गी जो है ये थोड़ी सी हो चुकी है बीमार। इसको मैंने एस्ट्रालोप के अंडों पर बिठाया था और ये जो है थोड़ी सी बीमार हो गई है। तो अब जो है ये दाना वगैरह तो सही खा रही है, लेकिन मुझे अभी इसमें थोड़ा लग रहा है कि बीमार है। तो इसको अब मैं एग्स पे नहीं बिठाऊंगा, अब इसको एग्स से उठा दूंगा और कोई दूसरी मुर्गी जो है अंडों पर बिठा दूंगा ताकि ये बिल्कुल ठीक हो जाए। क्योंकि ज़्यादा इसको मैं बिठाऊंगा तो इससे हो सकता है कि ये ज़्यादा बीमार हो जाए। तो इसको अभी जो है पहले तो मैं इसको बिल्कुल ठीक करूँगा और पहले से ज़्यादा इसका थोड़ा जो है त्वचा इस पर देनी पड़ेगी ताकि ये बिल्कुल ठीक हो जाए। क्योंकि ये बहुत अच्छी मुर्गी है मेरी। अच्छी मुर्गी हो या ना हो, जब भी मुर्गियाँ बीमार हों तो उनकी केयर करना बहुत ज़रूरी होता है और ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और बिल्कुल सही रहे। तो इसको जो है मैं अंडों से उठा दूंगा। और मुझे इसका ऐसे पता चला है कि आज इसका जो मुंह है, जब मुर्गियां बीमार होती हैं तो उनका जो मुंह होता है चोंच के पास से या जहां आँखें होती हैं, ये इर्द गिर्द वाले जो हिस्से हैं ये बिल्कुल या तो काले हुए होते हैं या फिर जो है इससे थोड़ा सा हल्के हल्के नीले से हो रहे हुए होते नज़र आ रहे होते हैं। तो इसकी गर्दन भी बिल्कुल काली हुई मुझे नज़र आ रही है, वरना गंजी मुर्गों की तो आप लोगों को पता है कि गर्दनें बिल्कुल जो है सुर्ख नज़र आ रही होती हैं। तो इसकी इस वजह से जो है मुझे पता चला है कि ये बीमार है। और लेकिन क्योंकि ये वैक्सीनेटेड मुर्गी है मेरी सारी मुर्गियाँ वैक्सीनेटेड होती हैं, तो मुझे इसकी इतनी जो है टेंशन नहीं है कि ये ठीक नहीं होगी। ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी क्योंकि ये वैक्सीनेटेड है और खा पी भी रही है तो ठीक जल्दी हो जाएगी। लेकिन इसको जो है अंडों पर नहीं बिठाना है ताकि ये ज़्यादा बीमार ना हो। कभी कभार मुर्गियाँ हो जाती हैं अक्सर अंडों पर बैठने की वजह से बीमार, उसी वजह से ये भी जो है बीमार हो गई है। तो इसको जब अंडों से उठा दूंगा और ये फिर बाहर घूमेगी फिरेगी, क्योंकि मुर्गियाँ मेरी सारी की सारी फ्री रेंज हैं और ये भी वैसे ही साथ में घूमती रहेगी जैसे पहले घूमती थी। तो ये बिल्कुल जो है सही हो जाएगी। तो मुर्गी जो है मैं चेंज कर दूंगा अब, और मुर्गी मैं कौन सी बिठाऊँगा वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा, मैं वीडियोस पे भी बना दूंगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बिना सब्सक्राइब किए हुए नहीं जाएगा। अल्लाह हाफिज़।